आखिरकार पायल के ऊपर कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आखिरकार पायल, जिन्होंने घर के अंदर थूकम थाकी करी, जिन्होंने घर के अंदर जिहाद या फिर पाकिस्तान या आतंकी इन शब्दों का इस्तेमाल किया, फिर भी क्यों चुप रही कंगना रनौत? क्यों पायल के खिलाफ जो है चीज़ें नहीं सामने आई? और सिर्फ उनको एक वार्निंग और साथ ही साथ उनको कैप्टेंसी से हाथ धोना, इतनी ही सज़ा मिली या फिर चार्जशीट में नाम दाखिल कर देना? आइए इसके पीछे की पूरी कहानी आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टैली खजाना में। मैं हूँ आपका यारो का यार, आपका होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पायल रोहतगी वो गले की हड्डी बन गई है सारे कंटेंडर्स की, जो कि वक्त वक्त पे उन सभी को एक रियलिटी चेक देती है। पायल रोहतगी खेल के मामले में ज़बरदस्त खेलती है, लेकिन जब बारी आती है हारने की तो पायल को अपनी हार जो है वो हज़म नहीं हो पाती है, और वो फिर उसके बाद तगड़ा वार करती है। और ऐसा वार होता है जो कि कम्युनल वार होता है, या तो हिंदू मुस्लिम बोलना, या फिर कुछ ऐसा वार होता है जहाँ पे पायल अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को शो करे। अगर आपने देखा होगा दोस्तों, तो पायल की चाहे वो किसी से भी लड़ाई हो, चाहे वो पूनम से हो, चाहे वो निशा से हो, चाहे वो मुनव्वर से हो, चाहे अब जीशान से हो, पायल ने अक्सर जो है उन चीज़ों को कैप्चर किया है जो कि चीज़ें नॉर्मल हंसी मजाक में बोली गई है, या फिर उन्होंने अपनी विडंबनाओं को प्रस्तुत किया है। अब पायल ने सारी चीज़ें तो दे दी, लेकिन पायल एक और चीज़ कर रही है। वो क्या चीज़ कर रही है? वो कंटेंट दे रही है। एक रियलिटी शो को कैसे चटपटा, मज़ेदार, मसालेदार बनाना है, पायल रोहतगी वो काम कर रही है। जिसके चलते आपको बता दूं दोस्तों, चाहे वो मुनव्वर हो, चाहे वो अंजलि हो, चाहे वो पूनम हो, चाहे वो मंदना हो, ये सब हीरो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। पायल वो विलन बन गई है जो कि अपने ऊपर सारी चीज़ें लेकर इन लोगों को उत्थान कर रही है, इन लोगों को एज अ हीरो दिखा रही है जनता के सामने। अब यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले तो कंगना रनौत से जो एक्सपेक्टेशंस थी कि वो आके जस्टिस करेंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। थुकम था कि ये वो कंगना ने भैया हाथ खड़े कर दिया कि मैं जो है यहाँ पे मोरल पुलिसिंग के लिए नहीं आई हूँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बोल दी कंगना ने, साफ तौर पर ये बात बोल दी कि भाई चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुकी हैं, पायल को कंट्रोल करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। अब दोस्तों, अगर आपने देखा होगा तो पायल रोहतगी को सज़ा इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो कंटेंट दे रही है। पायल पहले के हफ्ते बहुत ज़्यादा कर रही थी, सेकंड हफ्ते उसको डांट पीटी, वो फुस हो गई, सुमड़ी में चली गई, उसने कोई कॉन्टैक्ट नहीं दिया। थर्ड फोर्थ फिफ्थ हफ्ते में वो फिर से बैक टू बैक आने लगी, जिसके चलते पहले दो हफ्तों में पायल ने अच्छा किया था, फिर तीसरे हफ्ते वो शांत हो गई थी, चौथे पांचवें हफ्ते का जो है बात वो ज़बरदस्त तरीके से आई। तो बेसिकली पायल से वो कंटेंट निकलवाना चाह रहे हैं और मेकर्स ही ये काम कर रहे हैं। इसी के चलते पायल को ना ज़्यादा डांट खिलाई, क्योंकि कंगना चाहती तो इस बात को वो दबा सकती थी, लेकिन कंगना ने भी ऐसा लगा जैसे होमवर्क नहीं किया था, वो भी शायद शूट में बिजी थी या फिर अपने फैशन शो में वो शो स्टॉपर बन के जा रही थी, जिसके चलते कंगना ने भी एपिसोड्स कहीं ना कहीं मिस किए हैं ऐसा लग रहा है। खैर, आप लोगों को क्या है कहना, मुझे ज़रूर बताएं इस बारे में, क्या पायल ने सही किया था या गलत जो इन शब्दों का इस्तेमाल किया, और प्लस थूकम थाकी वाला जो मामला था, ज़रूर बताएं। चलता हूँ, अपना ख्याल रखें।